नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कहा जाता है कि अगर किसी की मदद करो तो इस तरह से करो कि दाएं हाथ से किसी की मदद करो तो बाएं हाथ तक को खबर न होनी चाहिए। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बीच इन दिनों सरकार की ओर से गरीब और असहाय लोगों को राशन किट और भोजन उपलब्ध कराने में राजनेता अपनी सियासत चमका रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ साथ मंत्री और विधायक भी राहत में सियासत के इस खेल में पीछे नहीं है। अकेले जयपुर शहर की बात करें तो कई विधायक और मंत्री कोरोना जैसी आपदा में भी अपना प्रचार कर रहे हैं। गरीब और असहाय लोगों को दिए जाने वाले राशन किट पर स्वयं की फोटो चिपकाकर लोगों को वितरित कर रहे हैं। विधायकों और नेताओं के इस प्रचार के खेल की चर्चा इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों में चर्चा इस बात की है कि अभी न तो कोई चुनाव है न ही त्योहार का अवसर, ऐसे में विधायक अपना प्रचार क्यों करने में जुटे हैं, जबकि कोरोना जैसी आपदा में सरकार लोगों को इस बीमारी से बचाने और सभी तरह की सहायता देने में जुटी है, तो फिर विधायक अपना प्रचार क्यों करने में जुटे हैं? विधायकों और नेताओं को बिना प्रचार लोगों की मदद करनी चाहिए। दरअसल इन दिनों विधायकों में प्रचार की होड़ लगी है। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी और जयपुर किशनपोल से विधायक अमीन कागजी जहां सैनिटाइज मशीनों के पाइप लेकर स्वयं छिड़काव करते नजर आए और जमकर फोटो सेशन कराया, तो दूसरे विधायक कहां पीछे रहने वाले थे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने सैनिटाइज मशीनों पर स्वयं की फोटो चिपकाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज ने गरीबों और असहाय लोगों को अपनी फोटो चिपकाकर राशन किट और राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। जब जनता ने इनको चुना ही जनता सेवा के लिए है, तो जब जनता सेवा का असली मौका आया तो फिर अपना प्रचार कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना कहाँ तक सही है। कहीं तो इंसानियत और अच्छी नीयत बाकी रहना चाहिए। निस्वार्थ सेवा का मौका है तो फिर क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।